अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन फिंगर्स की रेसिपी। खाने में बहुत मज़ेदार है, बहुत ही आसान है और 1 से 2 महीने तक आप इसको आराम से फ्रीज कर रख सकते हैं और खा सकते हैं जब भी आपका मन करे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी होते हैं, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आते हैं। तो चलो देखते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने लिया है 1 kg बोनलेस चिकन। तो 1 किलो चिकन लिया है हमने। चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है और इसका पानी हमने अच्छे से छान लिया है। छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको कट कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम अब फूड प्रोसेसर में डाल देते हैं। फूड प्रोसेसर ना हो तो मिक्सी की जार में आप कर सकते हैं, लेकिन चिकन थोड़ा कम डालें ताकि इसको अच्छे से पीसने के लिए मदद मिले, ठीक है। तो ये 1 किलो चिकन हमने ले लिया है। अब इसके लिए हम मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 चम्मच भरकर काला मिर्च का पाउडर। यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा कश्मीर रेड चिली पाउडर, ये हमने लिया है 2 चम्मच, ठीक है। 2 चम्मच से थोड़ा सा कम ले सकते हैं आप। यहाँ पर हमने लिया है 2.5 चम्मच भरकर गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो आप गार्लिक का पेस्ट 2.5 चम्मच ले सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स। ये 2 चाय की चम्मच जो आती है ना, वही हमने यूज़ की है सारे मसालों के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा विनेगर। तो ये 1 टेबल स्पून भरकर हमने विनेगर लिया है और 1 टेबल स्पून भरकर ही हमने लिया है सोया सॉस। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये पेरी पेरी सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून भरकर है। अगर पेरी पेरी सॉस है आपके पास तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो पेरी पेरी का जो मसाला आता है ना वो भी आप यूज़ करते हैं, या तो फिर पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से हमने नमक डाल दिया है 1.5 टीस्पून से भी थोड़ा सा ज़्यादा, और इसको हमने अच्छे से बारीक पीस लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये मिक्सचर हमारा रेडी है, तो इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं और इसके अंदर हम चीज़ डालने वाले हैं। तो हमने 4 क्यूब्स लिए हैं चीज़ क्यूब और इसको हमने बारीक ग्रेट कर दिया है। तो ये भी हम इसके अंदर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और नगेट्स की रेसिपी भी हमारे चैनल पर दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी आप 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं नगेट्स, तो वो भी आप बनाकर खा सकते हैं। रमज़ान में यह सारी चीज़ें हैं ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसके लिए हमने हमारे बच्चों के लिए बनाई। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज़ बना सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जितनी हमको साइज़ चाहिए, हम लोग फिंगर्स के हिसाब से बना रहे हैं ना, तो फिंगर्स की साइज़ के हिसाब से ही इसको बना लेंगे। और यहाँ पे इसको हमने लिया है चॉपिंग बोर्ड पे और इसी तरह से इसको रोल करेंगे। तो ये बहुत जल्दी बनते हैं। अगर आपके चॉपिंग बोर्ड को अगर ऐसा लग रहा है कि चिपक रहा है ना, तो थोड़ा सा नीचे तेल लगा ले और ईजीली ये बन जाता है। बहुत ही कम टाइम में फटाफट से रोल हो जाते हैं, हाथ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सारे रोल हमारे जो फिंगर्स है बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इसको हम साइड में रख देंगे और इसके लिए बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। अब इसके लिए हमने लिया है 2 अंडे, कॉर्नफ्लावर लिया है और ब्रेड क्रम लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कॉर्नफ्लावर लगाते जाएंगे। आप है ना एक एक करके भी कॉर्नफ्लावर लगा सकते हैं, और या तो फिर आप सारे के सारे फिंगर्स को कॉर्नफ्लावर लगाएं और फिर अंडा और ब्रेड क्रम लगाएं, वो ज़्यादा इजी रहता है। या तो फिर आपके घर में कोई बच्चे हैं ना तो उनकी हेल्प ले सकते हैं, एक को कॉर्नफ्लावर लगाने बोल सकते हैं, बाकी काम आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहता है। जिस तरह मैं कर लेती हूँ घर में, और बच्चों को भी थोड़ा मज़ा आ जाता है ये सब काम करने में। तो अच्छे से ब्रेड क्रम लगा कर कोट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक फिंगर हमारी रेडी हो चुकी है, इसी तरह हम बाकी भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी फिंगर्स बनकर रेडी है, तो इसको हम फ्रीज़ करने वाले हैं और जितनी ज़रूरत हो उतनी फ्राई कर सकते हैं। 3 महीने तक आप बिल्कुल इसे खा सकते हैं, स्टोर कर कर फ्रीज़र में रखें और जब भी मन करे निकालें 15 मिनट पहले और फिर फ्राई करें। लेकिन ध्यान रखें कि इसको फ्राई करने के लिए तेल थोड़ा कम यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जितने हो सकते हैं इतने फ्रीज करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो ये जिप लॉक बैग लिए हमने, इसके अंदर हम रखते जाएंगे और जितनी जगह हो उतनी रखकर फ्रीज करेंगे। अगर आपको जिप लॉक बैग में नहीं रखना ना, तो फिर आप ट्रे में जैसे हैं वैसे ही 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रीज करें, उसके बाद निकाल कर कोई भी एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं,
डायरेक्ट एक के ऊपर एक लेयर नहीं लगा सकते, नहीं तो फिर फिंगर्स चिपक जाएंगे। इस तरह से आप करके उसको रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ना, बहुत ही इजी है और इसमें जगह भी कम लगती है फ्रीज़र में। तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तेल गरम होने रख दिया है, तो इसमें फिंगर्स डालेंगे जितने हमारी कढ़ाई में आते हैं और तेल थोड़ा सा कम रखेंगे। और यहाँ पर 5 से 6 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल हाई रखी है और हाई फ्लेम पर ही हम इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ से एक साइड से हमारे जो फिंगर्स है वो गोल्डन हो चुके हैं, तो साइड्स पलट देंगे और दोनों तरफ से इसी तरह अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फिंगर्स दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी भी पेपर टॉवल पर। तो यहाँ पर देखा आपने, बहुत ही कम टाइम में और बहुत सारे चिकन फिंगर्स आप इस तरह से बनाकर रेडी कर सकते हैं और जब भी मन करे आप निकाल कर खा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे चिकन फिंगर्स बिल्कुल रेडी है। तो आपको कैसी रेसिपी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।